IVM हंस वाणी, हंस कथा मासिक, अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है गिरिराज किशोर की कहानी प्रत्यावर्तन, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। उसका नाम राकेश रख लीजिए। वैसे नाम बिना दिए भी काम चल जाएगा, पर नाम देने पर जायका बदल जाता है। बयान किया हुआ नहीं, चखा हुआ सा लगने लगता है। खैर, राकेश ने उस दिन पहली बार अपनी पत्नी से बाह्याटन के लिए कहा, बाहर घूमने जाने के लिए। आप कहेंगे राकेश की पत्नी का भी नाम रखो, उसकी कोई जरूरत नहीं। अपने आप पत्नी की पहचान ही जब पति है, तो पत्नी से पहले पति का नाम लग जाना ही काफी होता है। राकेश की बाह्याटन के प्रस्ताव से पत्नी चकित थी। शादी को साल भर होने को आया, लेकिन कभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया था, वो भी यहीं इसी शहर में, और बाह्याटन। उसने पति को कई बार देखा, कोई और बात तो नहीं, पर उसका पति यानी राकेश बाह्याटन के बारे में गंभीर लगा। फिर भी वो अपने को आश्वस्त नहीं कर पा रही थी। उस माहौल में एक तो उसका पति ही उसे कभी सहज नहीं लगा, अगर लगा भी और कभी दबी जुबान से कह भी दिया कि कहीं बाहर ले चलो, तो राकेश के मुंह से ये तक नहीं निकला कि ले चलूंगा। एक बार पता नहीं कैसे उसने भूल से कह दिया था कि ठीक है, मौका लगने दो। उस मौके के उछाह में वो काफी दिन तक आशावान बनी रही थी। आज अचानक बाह्याटन का निमंत्रण मिला तो उसे अच्छा लगा कि पैरों की जकड़न और मन की पकड़न खुलेगी, पर चौंकी भी। फिर भी उसने बात को कंफर्म करने की दृष्टि से पूछा, मां से पूछ लिया? मां ने ही कहा है। मां ने कहा? इस बात को उसने कई बार मन ही मन दोहराया, मां ने कहा? मां तो इस बारे में कभी सोचती तक नहीं, आज कैसे कह दिया? पति की तरफ देखा, पति में कोई परिवर्तन नहीं था, और दिनों से भी ज्यादा सामान्य था। मुस्कुराता हुआ, अच्छे अच्छे कपड़े छांट कर पहनता हुआ, उसे वो पहली बार पति लगा। पति को कपड़े छांट कर पहनते हुए देखकर उसी से पूछा, मैं क्या पहनूं? जो चाहे पहन लो, फिर भी पहली बार आपके साथ चलूंगी, आपके जानने वाले भी मिल सकते हैं, जो आप कहेंगे वही पहनूंगी। नहीं नहीं, तुम अपने मन से ही पहनो। जब मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता तो मैं कौन होता हूं कपड़ों के बारे में बताने वाला। उसने इस बात का प्रतिरोध किया, लेकिन ऐसे किया कि प्रतिरोध न लगे। ऐसी बानी क्यों बोलते हो, तुम ही तो सब कुछ हो, सब कुछ तो भगवान है। पत्नी को आश्चर्य हुआ, ये भाषा और उसका पति। जो सामने आया वही पहनने लगी, वो मौके को ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहती थी। कपड़े पहनते पहनते ही बोली, आज पहली बार आप ले चल रहे हैं? हाँ, ले तो चल रहा हूं। कहाँ चलेंगे? ऐसी जगह जहां हम तुम अकेले हो, मनचाही बात कर सकूं, कोई दखल देने वाला ना हो। मैं भी? ऊपर एक पहाड़ी है, उस पर एक डाक बंगला है, वहीं एक मंदिर है, खूब मन रमता है। लोग कहते हैं वह मंदिर मुक्ति का द्वार है। पहली बार ले चल रहे हैं, वो भी मंदिर? हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। कारण? यहां तुम बहुत सताई जाती हो, वो स्थान तुम्हें सुख देगा। लेकिन अब कुछ नहीं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, अगर मेरा इरादा बदल गया तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और मां को भी। उसने कुछ पूछना चाहा पर वो चुप लगा गई। वो तैयार तो हो गई पर उसके पांव नहीं उठ रहे थे। फिर भी वो अपने पांव को काफी जमा जमा कर रख रही थी। पति घर से निकला तो आंख बचाता हुआ, रास्ते में कई लोग मिले। कस्बा नुमा शहर होने के कारण सब उसके पति को जानते थे,
वो तेज चलना चाहता था जिससे मिलने वालों के कारण रुकावट ना पड़े। उसे रुककर बात करनी पड़ती थी तो पत्नी एक और दुबक कर खड़ी हो जाती थी। कान अलबत्ता बातों पर लगे रहते थे। उस छोटी सी यात्रा में उसे काफी दिलचस्प बातें सुनने को मिली। पति के एक नजदीकी और हमउम्र ने उसे रोककर कहा, राकेश, अरे वाह भाई वाह, तुम्हें बधाई दूं या तुम्हारी चुम्मी लूं? इतने दिनों से बंद भाभी को लेकर आज निकले तो सही। अरे यार, ऐसा भी नहीं कि भाभी बदसूरत है, हमारी घरवाली से तो ज्यादा ही खूबसूरत है। ऐसी बीवी प्यारे भाग से मिलती है, भाग से। ये कहकर उसने राकेश की पत्नी की तरफ देखा, लेकिन पत्नी की नजर दूसरी तरफ थी। कहने वाला निराश हो गया। चलते हुए पत्नी ने दबी जबान में पूछा भी, ये कौन थे? पति ने काफी मुलायम आवाज में कहा, ये बड़ी चलती रकम है, यहां तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, वहां अपनी बीवी को मार मार कर दुरुस्त रखता है। पत्नी ने उसकी तरफ देखा और साड़ी के पल्ले को हाथ से थोड़ा उठा लिया। बिछुए चमक उठे, जबान पर कोई बात आई, गर्दन झटक कर उसने उसे तरह दे दी। वो खामोश चल रही थी। अब जो भी रास्ते में मिलता राकेश खुद ब खुद कह देता, सोचा इन्हें बाहर की दुनिया की सैर करा दें। आप तो जानते ही हैं, हमारी मम्मी कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी हैं, हर बात अपने ढंग से चाहती हैं। पत्नी ने एक आदमी को पीछे से कहते सुना, साला माँ का लगता, अच्छी खासी लड़की है पर उन्हें लड़की थोड़ी चाहिए थी। वो अपने को समझाने के ढंग से सोचने लगी, कोई बात नहीं, अपनी माँ को मानते हैं तो माने। वो अपने प्रति गुस्से और दया से भर गई। वो लोग बिना चलते चले जा रहे थे। उसकी पत्नी को लग रहा था कि उसके कान खरगोश की तरह खड़े हैं। बाजार पीछे छूट गया, सन्नाटा बढ़ने लगा। बाजार से गुजरते हुए एक पैसे की चीज दिखाई तक नहीं, खिलाना तो दूर की बात। उसने यही सोचकर सब्र किया कि मंदिर जा रहे हैं। उसने फिर पूछा, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? बस चलती रहो। इस बार का ढंग जवाब चाहने वाला था, जवाब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या ये सुनने के लिए ही वो इतना पढ़ी लिखी थी? साथ ले जा रहे हैं और साथ वाली कोई बात ही नहीं। उसने फिर कहा, प्यास लगी है, पहाड़ी पर पहुंचकर ही पानी भी मिलेगा। पहाड़ी पर? हाँ हाँ, पहाड़ी पर, वहां पहुंचकर तुम तृप्त हो जाओगी। मेरी तृप्ति तो तुमसे है। वो जबरदस्ती हंसी, हालांकि ये कहकर उसे अच्छा नहीं लगा। मेरी बात छोड़ो और अपनी करो। वो चुप हो गई। पति की बातें उसे एकदम बेसिर पैर की लग रही थी। वो घर से चलते समय जितना प्रेमालु था उतना अब नहीं रहा था, ये बात उसने पकड़ ली थी। वो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे। पत्नी पसीने से सराबोर थी, बीच बीच में चढ़ते चढ़ते उसकी टांगें आपस में लड़खड़ा जाती थी। पति ने उससे कहा, तुम आगे आगे चलो। अकेले? मैं जो साथ हूं। उसने बिना आनाकानी किए आगे चलना मान लिया। एक चट्टान नुमा पत्थर के पास रुकी और पीछे देखकर पूछा, ये सैंडल हाथ में ले लूं? चढ़ने में दिक्कत होती है। वो कुछ नहीं बोला। उसने सैंडल हाथ में ले लिए, अब दुधियां चुभने लगी। उसने फिर घूमकर देखा, वो कुछ दूर था, फिर पहन लिए। उसका पति दूसरी बातें सोच रहा था। वो करीब करीब एक साल तक उसके साथ सोया था। उस आकर्षण और अनुभव को वो कभी नहीं नकार पाया। पहाड़ी पर चढ़ती पत्नी की देह उसे पहाड़ी की तरह ही फैली नजर आ रही थी। अंतर इतना ही था कि वो पहाड़ी थी और उसकी पत्नी उस चढ़ाई में उलझी एक इंसान। उसके उरोज, उससे नीचे का भाग, जांघें, पिंडलियां, बाहें, एक एक करके सब पहाड़ी की तरह फैली देह में उभरते आ रहे थे। दरवाजे की झिर्रियों से आती धूप के टुकड़ों की तरह चम चम करते। वो चढ़ते चढ़ते भी सोच रहा था कि उसकी पहाड़ी सदृश फैली देह को वो अपनी मुट्ठियों में भर ले और फिर छोड़े नहीं, चाहे मां नहीं कोई भी क्यों ना आ जाए। उसकी समझ में ये अभी तक नहीं आया था कि स्त्री की देह को मुट्ठी में समेटना इतना आसान नहीं होता। वो आदमी के लिए आकर्षण का चाहे कितना भी उजला और तीखा बिंदु बन जाए, पर खाली पीली समेट पाना उसके क्या, किसी के भी बस की बात नहीं। ये सब सोचकर वो तेजी से चढ़ा और उसके पास पहुंच गया। बोला, क्यों? 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 पत्नी चौंक गई। उस दृष्टि को देखते ही राकेश को अपनी मां याद आ गई।
अनायास माँ भी पीछे पीछे आती दिखाई पड़ी। क्यों शब्द के साथ जो तरलता उसकी आंखों में नजर आई थी वो एकाएक गायब हो गई और रेगिस्तान जैसी कोई चीज उभर आई। चलो चलती रहो, रुको नहीं, राकेश ने उसका हाथ पकड़ा और हल्का सा घसीटा भी। हमें जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचना है। माँ माँ को बार बार बीच में क्यों लाते हो? माँ के अपने आदर्श हैं, तुम्हारे घर वाले। अरे उन्होंने ऐसा क्या किया? पिछली बार उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, तुम उनसे सहमत भी थे। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है, वो दोनों आपस में सुलटे। हमारे लिए तो इस समय ये एकांत ही सब कुछ है। केवल तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए भी। मैं तो तुमको हर तरह से निर्दोष समझती हूँ। निर्दोष तो तुम भी हो, पर माँ का समझना भी तो जरूरी है। इस सब में क्या रखा है? रास्ते भागते दौड़ते तय करने चाहिए। वो फिर चलने लगी। इस बार उसके पीछे चलता हुआ उसका पति पूरी तरह टंडेलिया लग रहा था। सहारे के लिए उसने कहीं से लकड़ी उठा ली थी। बीच बीच में उसका सोचना चालू हो जाता था, निर्दोष तो हम दोनों ही हैं, हो सकता है वो ज्यादा हो। पत्नी उसे फिर पहाड़ी की तरह फैली नजर आने लगी। उसकी हर चीज अच्छी है। राकेश की आंखों में एक दूसरी तरह की लोलुप चमक भर उठी। उसने मेरा कहना कभी नहीं टाला। माँ की बात और है, वो आदर्शवादी है। आदर्शवादी हर बात में अपने आदर्श रखता है। माँ का जब भी जिक्र आया तो इसने यही कहा कि तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ को हमें जल्दी से जल्दी एक खिलौना दे देना चाहिए, वो सब कुछ भूल जाएंगी। लेकिन माँ इस बात के खिलाफ है। उनके लिए इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान्यताएं और वायदों की पूर्ति है, वो वहीं पर अटकी हुई हैं। किसी तरह चढ़ाई खत्म हुई। वो स्थान वाकई मनोरम था। डाक बंगले के वरांडे से पूरा का पूरा कस्बा रेंगता दिखाई देता था। लगता था पहाड़ी समेत वो डाक बंगला उस पर पांव रखे खड़ा हो। वो सीढ़ियों पर बैठकर अपने पांव दबाने लगी। पांव दबाते देखकर राकेश को पत्नी की टांगें याद हो आईं। वो रात में ऊपर तक कैसी चमकती हैं, चिकने सुडौल और सफेद ढलान की तरह। यहां इस तरह मत बैठो, उधर चलते हैं। पांव बहुत दुख गए हैं। पांव के दुखने को लेकर कब तक बैठी रहोगी? लौटना भी है। लौटना कैसे होगा, पैर तो टूटे जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा। उसने एकाएक उसकी तरफ देखा। चेहरे पर अजब तरह का तनाव आ गया, हालांकि पहले से ज्यादा स्थिर थी। बताओ फिर मुझे क्या करना है? मेरे साथ चलो। वो उठकर चल दी। वो पहाड़ी के दूसरे तरफ चले गए। वहां एक सुनसान मंदिर था, मनोरम होने के साथ निर्जन। दोनों तरफ गहरे खड्ड थे, उस समय भी वहां अंधेरा था। एक बारगी उसे डर भी लगा, पर अपने को जल्दी से उबार लिया। मुझे भूख लगी है। भूख उसे भी लगी थी, पर वो चुप लगा गया। तुम मुझे पहली बार लाए, वो भी यहाँ। तुम मेरी माँ को जानती हो, वो बात की पक्की है। तो मैं क्या करूं? शादी से पहले तुमने मुझे घुमा फिरा कर ठोक बजा कर देखा था। हालांकि मैं उस पूरे नाटक के खिलाफ थी, लेकिन पिता के कहने पर तैयार हो गई थी। डॉक्टरों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। वो मानते हैं कि डॉक्टर के अंदर ही आदमी का दिल होता है। जहां तक मेरा सवाल था, मैं तो पीएचडी करके कहीं भी लेक्चरर हो गई होती। मेरी माँ के अपने आदर्श हैं, पसंद और नापसंदगी है, उनसे उन्हें कोई नहीं डिगा सकता। और तुम? मुझे तो तुम पसंद हो। लेकिन माँ के कारण तुम अपनी पसंद? उन्होंने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। बिना बाप के कितने बच्चे हैं जो यहां तक पहुंच पाते हैं, वो भी जबकि सब साधन खत्म हो चुके हूं। मुझे इस सबसे क्या लेना देना है? मैं तुम्हें माँ के कहने पर ही यहां लाया हूं। ये सब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इस तरह काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो। तुम्हारा चेहरा बदलकर एकदम तुम्हारी माँ का सा हो गया। मेरी माँ की सदा सुंदर स्त्रियों में गिनती हुई है, अभी भी होती है। तो तुम्हें अपनी सुंदर माँ के साथ ही रहना चाहिए था। पत्नी की जुबान एकाएक बदल गई। जुबान में इतनी तुरशी उसने पहली बार महसूस की थी। राकेश ने उसके बालों की तरफ हाथ बढ़ाया। पत्नी ने मौका नहीं दिया। पूछा, तुम चाहते क्या हो? वो तुरंत संभल गया। मैं भी अपने आदर्शों को तरजीह देता हूं। धोखे से कुछ भी करना मुझे पसंद नहीं। वैसे मैं तुम्हें चाहता हूं,
तुम्हारी देह को चाहता हूं। तुम मुझे इस खुले वातावरण में उसे प्यार कर लेने दो। वो चमकती आंखों के साथ उसकी ओर बढ़ा, हालांकि उसके कदमों में थरथराहट थी। उसका एहसास उसके सिवाय किसी और को नहीं था, और मुझे नहीं। तुम क्या देह से अलग हो? हां हूं तो। वो ठहर गया, कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने पत्नी की लचीली और चिकनी देह खुलती जा रही थी। उधर से मां चढ़ान दर चढ़ान चढ़ती चली आ रही थी। धीरे धीरे वो धूप की तरह खिल गई। वो और नजदीक आ गया, मां और भी ज्यादा। पत्नी की आंखों में उन दोनों का अक्स था। वो सन्नद्ध थी। राकेश ने उसका हाथ पकड़ा और अपने नजदीक खींचा। वो खड़ी रही। क्या सोच रही हो? वही जो तुम सोच रहे हो। पहले वो चौंका। उस गहराते अंधेरे में पत्नी का चेहरा उसे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ा। उसने फिर खींचा, लेकिन इस बार वो स्वतः खींची चली आई। पत्नी एकाएक उठी, नीचे झांका। खड्ड में अंधेरा और भी गहरा गया था। उसे वो वहां कहीं नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ एक हल्की गहरी चीख आई थी। उसने फिर झांका और इतनी जोर से हंसी कि पहाड़ियों का सीना चाक होने लगा। फिर देखते ही देखते एक सोता फूट पड़ा और वो सारा परिदृश्य उसमें डूबता गया। आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्वता शर्मा की आवाज में गिरिराज किशोर की कहानी प्रत्यावर्तन। ये कहानी हंस कथा मासिक के जनवरी 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindimagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from. If you're a cricket fan, check out Edges and Sledges, India's favorite cricket podcast. The podcast focuses on Indian cricket, the IPL, and has a ton of banter both on and off the field. We talk about the week's biggest cricket stories with current and ex-international cricketers, coaches, or sometimes just between us. And it's hosted by me, DJ. Me, Varun. And me, Ashwin. New episodes release every week. You can catch us on the IVM Podcasts website, app, or wherever you get your podcasts from. Check out the Edges and Sledges Cricket Podcast.